लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो अब सवाल दिल्ली का आ गया, क्योंकि दो चरणों के चुनाव हो चुके हैं। एक चरण का चुनाव कल का है और चौथा चरण दिल्ली का होगा। दिल्ली में किस राजा का राज होगा, ये हमारा बताएंगे। हमारे बीच में प्रेम बाबू सक्सेना साहब है, जो कि कर्मठ, ईमानदार, जुझारू आम आदमी पार्टी के नेता है। सर, क्या नजर आता है दिल्ली? दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल जी का राज होगा। आपने बोला था भाई दिल्ली के अंदर किस राजा का राज होगा, राजा नहीं सेवक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के श्रवण कुमार है और वही सेवा नायक होंगे और वही सेवा करेंगे दिल्ली के अंदर। तो क्या दिल्ली गठबंधन जीत रहा है? देखिए, अभी तक जो समीकरण बता रहा है तो गठबंधन की अगर जो नामांकन रैलियों की बात करें तो उन रैलियों में प्रचंड बहुमत दिख रहा है, जनता का कह लो, कार्यकर्ता का उत्साह दिखाई दे रहा है। क्या रैली को देख करके वो वोट में तब्दील होगा? रैली में तो भीड़ किराए की भी होती है। देखिए, मुझे लगता है जैसे अभी आपने बोला किराए की, आम आदमी पार्टी ने तो कभी किराए का आदमी लिया नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए काम करती है और आम आदमी पार्टी के लिए आम आदमी समर्थन में करता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा सब की सुविधा है, महिलाओं के लिए बस में सुविधा है। तो आम आदमी पार्टी को इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि उसकी डायरेक्ट अप्रोच मंत्री तक है, उसकी डायरेक्ट अप्रोच सीएम तक है, उसकी डायरेक्ट अप्रोच विधायक तक है, उसकी डायरेक्ट अप्रोच काउंसलर तक है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को आम आदमी सपोर्ट करता है और आम आदमी पार्टी हर तरीके से चारों सीटों पर जीतने जा रही है और चारों सीटों पर प्रचंड बहुमत है। चाहे पूर्वी दिल्ली की बात करें, चाहे साउथ दिल्ली की बात करें, चाहे हमारे आउटर दिल्ली की बात करें, चाहे वो इसकी बात करें, तो हमारी चारों सीटें जो है परफेक्ट तरीके से हम लोग जीत रहे हैं। तीन सीटों पे डाउट लग रहा है? डाउट नहीं लग रहा, क्योंकि तीन सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, हम तो सपोर्टर है। भाई गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में ये हुआ कि भाई आप अपने सीटों का चयन हो गया और चयन होने के बाद ये हो गया भाई आप अपना पूरी ताकत वहां लगाइए, हम अपनी पूरी ताकत यहाँ लगा रहे हैं। सपोर्ट की बात रही, सपोर्ट पे है, सपोर्ट कर रहे हैं गठबंधन को। कुलदीप कुमार जी की बात करें तो आप नॉमिनेशन भी गए और बाकायदा रैलियों में भी जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाओं में भी जा रहे हैं, क्या नजर आ रहा है माहौल? देखिए, कुलदीप कुमार जी पूरे बहुमत के साथ जीत रहे हैं, ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा। जीत का मार्जिन क्या है? देखो, मार्जिन चाहे वो कुछ भी रहे लेकिन जीत रहे हैं। उसका कारण है कुलदीप कुमार जी वहां के लोकल लोकसभा के निवासी हैं, पहला इनका ये है। दूसरा, वो जमीनी जुड़े हुए हैं लोगों के साथ, ठीक है। तीसरा, पहले वो भूतपूर्व में काउंसलर रहे, उन्होंने अच्छा काम किया, फिर वो विधायक रहे अभी, तब उन्होंने अच्छा काम किया तो ग्राउंड के हो गए। तो उस वजह से देखे तो उस लोकसभा के अंदर वो एक लोकल प्रत्याशी है और जो बीजेपी के कैंडिडेट आए हैं उनको लोग वहां, मैं नहीं कह रहा, वहां के लोग बाहर ही बोल रहे हैं कि लोकल नहीं है। और वहां के लोग ये भी बोल रहे हैं गंभीर गौतम ने कुछ काम नहीं किया, ठीक है जी, इसलिए उनको चेंज कर दिया। तो अब भाई बीजेपी ने अगर यही सोच रखा है कि भाई काम करे ना चेंज कराओ, अगर कुल मिला के एंटी कैंपेन की वोट मिलेगा। दूसरा, जो लोग दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने से आधास है, गुस्से में है, वो अपना गुस्सा वोट पे दिखाएंगे। क्या जेल का जवाब? जेल का जवाब वोट से देंगे। ये लोग अभी चुप है, कारण समझना। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली की जनता के लिए किया, क्या एक भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। अगर वो भ्रष्टाचारी होते ना तो वो यहाँ अपने घर में नहीं, वो कहीं और बंगले बना के बैठे होते। ये बात करते हैं शीश महल, शीश महल है भाई, आप सरकारी प्रॉपर्टी है, वो सरकारी प्रॉपर्टी में सरकारी काम हो रहा है, क्या परमानेंट है सरकारी प्रॉपर्टी? हाँ, अब जब कहते शीश महल, उन्होंने अपना एक अपना 500 गज का कोई फार्म हाउस लिया होता, उसमें काम कराया था तो आप कहते, ठीक है। तो जनता समझ रही है, तो हम सबको मिलकर के एक ही चीज समझनी चाहिए कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया, देश के लिए भी काम किया है। और देश के लिए काम मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, अगर देश के लिए अच्छी सोच ना होती, उन्होंने अच्छा मैसेज ना पहुंचाए होते तो आज गुजरात के अंदर हमारे 8 विधायक ना होते, सूरत के अंदर हमारे मेयर ना होता और गोवा के अंदर हमारे 2 विधायक ना होते, ठीक है, पंजाब के अंदर पूरी सरकार ना बनी होती, दिल्ली के अंदर पूरी सरकार ना बनी होती, और आज देश के अंदर तीसरी पार्टी के तौर पर उभर के आम आदमी पार्टी ना आती इतनी जल्दी, इतने कम समय में। प्रेम बाबू सक्सेना साहब, अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी लोकसभा की, तो यहाँ पे सांसद मनोज तिवारी है, तो क्या आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रहा है गठबंधन को या नहीं कर रहा है? क्योंकि नजर नहीं आ रहा कि प्रचार में वो आ रहे हो कांग्रेस के साथ। देखो, गठबंधन की बात है, उसमें गठबंधन के अंदर हमारा पूरा समर्थन है, पूरा सपोर्ट है। भाई कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के तो तभी जाएंगे ना जब कोई कांग्रेस के जाएंगे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर कहीं पे जाएंगे तो आम आदमी पार्टी के भी देखेंगे। गोरखपुर फॉरवर्ड जिता के भेज रहे हैं,
देखो गोरख पारक वार्ड की बात करें तो गोरख पारक वार्ड पूरा सपोर्ट में, समर्थन में रिजल्ट सबके सामने होगा। सक्सेना साहब क्या अपील करेंगे मतदाताओं? एक ही चीज की अपील करेंगे, इस बार जो चुनाव है वो देश का चुनाव है और संविधान को बचाने का चुनाव है। निर्णय लें और सोच समझ से अपनी काम करें, क्योंकि देश इंतजार कर रहा है अच्छे समय का। तो मेरी यही अपील है, अच्छे समय को लेके आए, और मैं ये तो नहीं बोलूंगा अच्छे दिन लेके आए, अच्छे समय को लेके आए, क्योंकि अच्छा समय होगा तो सब अच्छा होगा, देश भी खुशहाल होगा, आनंद में होगा, मंगल में होगा। जय हिंद, जय भारत।